weather. Mausam, जी हाँ, मौसम क्या कहता है? Well, मौसम बल्कि बता देता है, कहता कमी है. आज का मौसम कैसा रहा जी? ओवरऑल अगर पंजाब की सूरत हाल देखी जाए तो आज जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो तकरीबन 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहा और जो है लोएस्ट वो रहा 8, और इस वक्त तकरीबन 13 डिग्री सेंटीग्रेड और फील भी तकरीबन 13 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है. तो इट्स अ कूल टाइम ऑफ यू नो वेदर राइट नाउ. और उसके साथ साथ हवा में नमी का तनासब तकरीबन 75% है, तो विजिबिलिटी इज ऑल्सो काइंड ऑफ नाइस. तो कुछ एरियाज में जो है बारिश हुई, हल्की फुल्की बारिश रही, कुछ घंटों गिरी रही, कुछ एरियाज में बिल्कुल बादल हमें नजर आते रहे, लेकिन ओवरऑल मौसम जो है सुबह के बाद आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता चला गया. तो ओवर आज जो है बहुत से लोगों ने थोड़ा सा ये सोचा था कि शायद धूप कहीं सी जगह पर नहीं निकली, लेकिन कम ही निकली है और थोड़े अरसे के लिए निकली, लेकिन उसके बाद जो है कुछ एरियाज में बारिश और उसके बाद कुछ एरियाज में बिल्कुल बारिश नहीं हुई, लेकिन बादल जो है उन्होंने कहा जी हम आपके साथ मौजूद हैं. आपने कहा बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच. आज रात के हवाले से कहा जा रहा है कि कुछ एरियाज में जो है बारिश होने का बिल्कुल इम्कान है. 55% चांसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन है, सो दैट्स व्हाई इट्स गोना रेन इन अ फ्यू एरियाज ऑल ओवर पंजाब. और उसके साथ साथ 9.7 से लेकर 11.3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार के साथ जो है हमारे साथ हवा रहेगी. सो टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री रहने का इम्कान है. कल सोमवार को मंडे स्टार्टिंग ऑफ द वीक भी बारिश का इम्कान है और हाइस्ट टेम्परेचर अगर बी समथिंग लाइक 12 डिग्री सेंटीग्रेड और लोएस्ट जो है वो है 10. लेट्स सी जनाब, दिस was the weather update. All right, thank you so much उन सब लोगों जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, अपने होने का एहसास हमें दिलाते चले जाते हैं. कैसे ऑन www.facebook.com/radioawaz पर. और कौन कौन हमारे साथ है? मुना रीजा हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल हक हमारे साथ, चीना हमारे साथ मौजूद है, आद रजा हमारे साथ मौजूद है, स्वीटी चौधरी हमारे साथ मौजूद है, शमैला इकराम हमारे साथ मौजूद है, राजा जुलकरनैन ज्ञानी साहब हमारे साथ मौजूद है, नवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, मानु बिल्ला हमारे साथ मौजूद है और मलक अजहर जो है हमारे साथ मौजूद है. थैंक यू उन सब लोगों का जनाब, थैंक यू सो मच. आपने जनाब अपने होने का एहसास जो हमें दिलाया है. और मोनालिसा कहती है अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, आज टाइम पे आ गए, वेरी नाइस डीजे जी, बहुत शुक्रिया जनाब हम आज टाइम पे हैं. शुमाले ग्राम हमें कहती है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, वेलकम अगेन, बहुत शुक्रिया. स्वीटी चौधरी जी हमारे साथ है कि डीजे जी मेरे मामू की बर्थडे विश कर दें. लो जनाब हमारी तरफ से तो बहुत ज्यादा वेल विशेस टू योर मामू फॉर हिज बर्थडे टूडे एंड वी विश हिम राइट. अहदरसा हेलो सर. और राजा जुलकनैन साहब कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम और वेलकम जी, बहुत शुक्रिया. नवीद अहमद साहब कहते हैं सलाम वीर जी और कहते हैं की हाल चाल है. वैसे हाल भी ठीक है, चाल भी ठीक है, बाकी तो फिर उन तानू आप ही पता है ना. अच्छा चलो ठीक है. और जी नवीद अहमद जी कहते हैं वीर जी आज तो टाइम पे आ गए हो ना. तो पहले मैं कब लेट हुआ था भाई, मैं यहाँ पे टाइम पे था. एनीवेज आपके मजीद कमेंट्स ये वो जरूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन एक बेहद ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर हम आपके साथ मौजूद होंगे. सो स्टे ट्यून्ड विद आवाज ग्रुप ऑफ रेडियोस, दिस इज योर ओन रेडियो स्टेशन. हियर वी गो विद द ब्रेक. इट्स टाइम फॉर लाइव. वो जैसे एकदम आता ना बंदा बाहर से कहता है चा, आज फिर चा हो गया. नहीं आपका तरह नहीं निकला, मुझे पता है. राइट जनाब, ओपन मार्केट फॉरेक्स रेट जो है इस वक्त शामिल आपके साथ करता हूं और यूएस डॉलर जो उसका बाइंग रेट है 154 रुपीस 5 पैसा, उसका सेलिंग रेट है 155 रुपीस 2 पैसा, यूरो जो है इस वक्त 172 रुपीस 5 पैसा पर है, उसका सेलिंग रेट है जो 174 रुपीस 5 पैसा, यूके पाउंड स्टर्लिंग जो है इस वक्त 202 पर है, 202 रुपीस और सेलिंग रेट है 205 रुपीस, यूएई दिरहम जो है इज एट 41 रुपीस 9 पैसा एंड इट्स सेलिंग एट 42 रुपीस 3 पैसा. Saudi Riyal at 40 rupees 85 paisa and it's selling at 41 rupees 3 paisa. Kuwaiti dinar at 4508 or selling at 510.5. On the top as well. Wow. Okay. We've got the Canadian dollar which is at 117.5 rupees and selling at 119.5. The Australian dollar is at 107 and it's selling at 108.5. And we have the Qatari Riyal on 42 rupees 35 paisa and at 42.7 paisa selling. So these were some of the open market forex rates right for you, brought to you by Awaz Group of Radios. So you need a little change, right? So, well, sometimes you need a little change. To all those people that are entering our city right now, unhein kahenge ji khush aamadeed, welcome to our city. Aur jo log is waqt chhode ja rahe hain, unhein kahenge ji khuda hafiz and have a very safe journey.
और प्लीज जब आप एंटर होना शहर में अंदर तो अपनी लाइट्स थोड़ी सी डिम कर ले। हाँ, बड़ी मेहरबानी आपकी, क्योंकि जो है ना फ्लश लाइट्स के साथ आप जब फुल लाइट्स के बीम के साथ शहर में एंटर होते हैं तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है जो आपके सामने से आ रहे हैं। तो सर थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू जी, आपने कर ली। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बड़े सियाने आप। राइट जनाब, उसके साथ साथ थैंक यू उन सब लोगों का जो कि हमारे साथ मौजूद हैं ऑन www.facebook.com/radioawaz पर, और उसके साथ साथ हमें जो है कॉल्स जो है उनकी मौसूल होती हैं 0533728505 पर, उस पर भी आप हमें कॉल करते हैं। आज का मैंने टॉपिक आपसे ये पूछा था कि मुझे ये बताइए, एक तो शादी, जब आप किसी शादी या फंक्शन में जाते हैं, खाने जब स्टार्ट होता है या खाने जब सर्व होने शुरू होता है, तो वो कौन सी ऐसी डिश है जिसके ऊपर सबसे पहले आपकी नजर होती है, ठीक है जी। दूसरा आप मुझे ये बताना कि अगर आपकी ड्रीम मेन्यू हो किसी शादी पे तो कौन सी डिश है जो आप ऐड करेंगे। आपको दे दिया गया है इख्तियार कि आप हमें बताइए कि आप कौन सी डिश जो ऐड करें। राइट, हमारे साथ हैं जी नवीद, ऑन नवीद अहमद साहब हु इज ऑन www.facebook.com। कहते वी जी, मेरा फोकस तो हर चीज पे होता है पर मिलती कम है। कौन सी चीज है जिसपे आप फोकस कर, यानी आप इतना उसमें फोकस कर रहे होते हैं कि बाद में वो चीज जो है वो, हाँ आपने वैसे कह दिया, हाँ कहते हैं लोग जो है ना वो चीज ही नहीं छोड़ते, बट एनीवेज कोई गल नहीं, इट्स ओके। वैसे आपने मुझे बताया नहीं वो चीज क्या थी। और मुन्ना लिसा कहती हैं जी रशियन सैलेड पर नजर होती है। अच्छा, ये साथ में जो इमोज है ना आजकल, क्या बात है, क्योंकि लोग प्लेट्स भर लेते हैं। हाँ वैसे एक बात सही है, जब भी आप डिश किसी देखा होगा कि आपने वाकई लोग जो जिनको डिश जिसकी समझते हैं कि सबसे ज्यादा कम मिलेगी उसको फौरी तौर पर जनाब भर दिया जाता है। दैट्स गुड। राइट जनाब, नवीद कहते हैं मेरी ड्रीम डिश क्या है कि कौन सी डीजे डिश, हाँ जी बकरे की सजी, इधरू पेगी कभी। एनीवेज थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मानो बिलाल साहब भी हमारे साथ मौजूद है, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। और उसके साथ साथ जनाब मलिक अजहर हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम क्रीम टाउन मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। जनाब वीर जी, तुसी की खाना पसंद करोगे हैं? मैं जनाब बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करें ना, मैं बताऊंगा आपको जी। और वीरू पॉल ट्यून्ड इन, थैंक यू सो मच फॉर योर ट्यूनिंग इन वीरू पॉल, आई एग्जैक्टली डोंट नो वेयर यू फ्रॉम बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस राइट नाउ। और उसके साथ साथ जनाब हमारे साथ मौजूद कौन है जी, अनस चीमा साहब हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप, हैप्पी संडे, थैंक यू सो मच। और अनस चीमा जी कहते हैं जी जट कचहरी वाला सॉन्ग जो है प्ले करते हैं, आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि हम हाईवे ड्राइव वाला सॉन्ग इसमें जो है वो प्ले करते हैं जो कि थ्रू आर द टेम्पो, बट एनीवेज रिक्वेस्ट शो जो है, देयर आर लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट शोज दे कैन प्ले द सॉन्ग्स, बट एनीवेज मैं जरूर आपकी नोट कर लेता हूं इस चीज को और जरूर इसे जो है नेक्स्ट टाइम अगर प्रोग्राम में मुझे मौका मिला तो जरूर शामिल करूंगा। थैंक यू सो मच अनस जी। राइट, उसके साथ साथ मजर राही की आवाज में कहते ने की कहते ने नवाब, अच्छा जी कहते ने नवाब। Stay tuned. Get dialing on the hot number, which is once again 0533728505. Aur uske baad jinab, of course, www.facebook.com/radio. Stay tuned. खुला पैसा ते रेंज रोवर गड्डी और थले मेरा ढोला खानदानी नवाबे इंज टुरदा है ओ जिवे शेरा दा सहवे मेरा ढोला ओ खानदानी नवाबे
सोहने नैन ढोले दे लखा लोक ने फैन ढोले दे सोहने सोहने नैन ढोले दे लखा लोक ने फैन ढोले दे हर कोई जान नचावर करदा मेरे जंटल मैन ढोले दे इंज हसदा है जो सर चढ़ कर बोले आवाज़ पाकिस्तान The largest group of FM radios in Pakistan. So tune in now. Radio Awaz. Right, you welcome back. You're listening to Awaz group of radios and this is Highway Drive. To all those people that are with us, thank you so much. Right, let's get down to sports. And there are lots of people who are actually looking ahead for Bangladesh and Pakistan's match. So, uske bare mein kya kaha ja raha hai ji? Program ke tahat Bangladesh team ko January, February mein 3 T20s aur 2 test khelne ke liye Pakistan aana hai. BCP ke security waf ke tasalli baksh report ke baad the women's aur under 16 teamon ne daura kiya. Sri Lankan team ki one day aur T20 और फिर टेस्ट सीरीज के लिए भी आमद के बाद बांग्लादेश के पास पाकिस्तान आने का कोई जवाब बचता नहीं है मगर अनजाने खौफ का शिकार बीसीपी अहकाम की जानिब से बदस्तूर ऐसे बयान आप जारी किए जा रहे हैं जिससे गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है कभी हुकूमत से सिक्योरिटी क्लियरेंस के इंतजाम की बात होती है और कभी इजाजत मिलने के लिए जो है उसकी दहाई दी जाती है बल्कि बहुत सी चीजें जो है वो कही जा रही है बल्कि चंद दिन पहले बांग्लादेश बोर्ड के सदर जो है निजाम हसन ने तो वाजे अल्फाज में ये कह दिया था कि टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे अगर दस्तयाब करदा क्रिकेटर्स जो है उनमें अगर देखा गया तो शायद T20s खेलने का उनका जो था वो इम्कान था सो ओवरऑल देखा जाए तो अभी वो इफ्स एंड बट्स के अंदर जो है ना वो टीम जो है जो इस तजवीज के साथ मौजूद है लेट्स सी व्हाट हैपेंस जी और ये भी तजवीज सामने रखी गई थी कि पाकिस्तान दूसरी बांग्लादेश में खेले के लिए खेला जाएगा और गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद बांग्लादेश की मेजबानी के लिए पाकिस्तान की उम्मीद बरकरार है चले देखते हैं जी कि क्या बनता है इस टेस्ट सीरीज का Again, I think that we are a nation which is proud of itself and we are a very peace-keeping nation. Aur ab jab Sri Lanka ke jo tour hai, aapne dekha hoga ki wo yahan par khel ke gaye hain and it's been very pleasant. Aur Sri Lanka ne baqaida badi tareef ki hai security ke hawale se bhi aur baaki logon ke hawale se bhi. I think Bangladesh ko bhi is cheez ko note mein rakhna chahiye and they should come to Pakistan to play the series. जनाब ये थे आजकल क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उस तरफ देखते हैं कि हमारी तरफ इस वक्त क्या चल रहा है जी हाँ www.facebook.com/radioawaz पर उसके साथ साथ आपकी कॉल्स जो है 0533-728-505 पर उसके साथ साथ आप 4471 पर जीडी स्पेस लिखते हुए हमें मैसेज करते हैं बहुत शुक्रिया जनाब आप सब लोगों लो जी स्वीटी चौधरी जी कहते हैं दीजिए जी रेडियो स्टाइल में बर्थडे विश करें जी बिल्कुल रेडियो स्टाइल में आपके मामू को विश करेंगे पर आपने मामू का नाम ही नहीं लिखा वो भी तो बता देते ना हाँ जी वकास खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी क्या हाल है जी बिल्कुल ठीक ठाक सुपर डुपर शो थैंक यू सो मच लवली रैबिट यू नो आई काइंड ऑफ लाइक इट एक्चुअली यू नो इफ आई लुक एट दिस रैबिट आई डोंट नो इट्स आई थिंक इट्स अ मेल एनीवेज बट इट लुक्स लाइक यू नो यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट बग्स बनी या व्हाट्स अप डॉग एब्सोल्युटली राइट पश्तो सॉन्ग के हवाले से सुनना चाह रहे हैं वकास साहब
लो जी नवाब सॉन्ग जो है आपने मुझे डेडिकेट कर दिया मोनालिसा जी, और मैं सबसे पहले चावल खाता हूँ। अच्छा उसको हो यानी कि शादियों पे सबसे पहले चावल की तरफ आपकी नजर होती है वकास खान। वेरी गुड जी। माना बिल्ला जी मेरी नजर कोरमे पे है। अच्छा अच्छा आप कहते मैं मान लेता हूँ। अनशी में सब कहते हैं जी जो मिले वही खा लेते हैं क्योंकि खाने जो है ना हम क्या हमले हो जा अच्छा खाने पे हमला हो जाता है वो। लेकिन आजकल तो बड़ा यू नो डिफरेंट है, यू नो यू कैन एक्चुअली जस्ट सिट ऑन योर टेबल एंड यू कैन यू नो एंजॉय द मील, आपके सामने रख दिया जाता है जी सारा कुछ, आसानी हो जाती है ना। मेरे ड्रीम है कि बकरे का जो है पाए जो मुझे बड़े पसंद है वो बने। लो जी मानो बिल्ला साहब ने तो जनाब क्या नाम है कह दिया जी कि जो ड्रीम डिश है उनकी वो बकरे के पाए होने चाहिए। वैसे अगर आप में से जो सब सुनने वाले किसी को याद हो किसी शादी पे आपने बकरे के पाए जो है वो खाए हो शादी पे? नहीं मुझे भी याद नहीं। आपको? नहीं आई डोंट थिंक सो। But anyways, different and unique. Right, जनाब बर्थडे विश कर देते हैं और आहद रजा और नवीद अहमद ने भी बर्थडे विश किया जी उनके मामू को स्वीटी चौधरी के, तो हम भी कर देते हैं। Here we go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. The track is right here. Stay tuned with the Awaz group of radios. You're listening to Highway Drive with DJ Nabeel. And of course, the topic of today is that which dish do you first look at when you're at a wedding? कौन सी ऐसी डिश है जिसके पीछे यानी कि सबसे पहले आपकी नजर होती है? And the second thing is, what is your dream, you know, menu for a wedding? Dil Fakir Hua. This is to your mamu. Stay tuned.
That's absolutely right. We are connected to your heart and we are Awaz group of radios and you are just going on absolutely good. Wear your seatbelts. Thank you so much. Right, जनाब बहुत से लोग जो है उनको टाइपिंग का बड़ा शौक होता है स्पेशली मोबाइल फोन के ऊपर आपको पता है टाइपिंग करना किस हद तक जरा डिफिकल्ट होता है. अच्छा कोई डिफिकल्ट नहीं होता. चलिए वो जरा जिनको टाइपिंग का बहुत ज्यादा शौक है और वो जो है ना फोन पे उनको ज्यादातर मैसेजेस वगैरह करने पड़ते हैं या ऐसा काम फॉर एग्जांपल बहुत से लोग हैं जिनको मेल्स वगैरह भी करनी पड़ती हैं वो यूज करते हैं तो उनके लिए एक खुशखबरी है कि एक कंपनी है जिन्होंने एक 7 इंच यानी 7 इंच का क्या किया है जी एक स्मार्ट खूबसूरत सा लैपटॉप तैयार किया है जो दुनिया में पहला यानी दुनिया में वो पहला है जी 4G लैपटॉप है और बस यही नहीं उसमें जो कीज हैं छोटी छोटी कीज हैं वो भी बड़ी अच्छी हैं एंड इट्स इन वेरी गुड और बड़े अच्छी तरह से वहां पे टाइपिंग हो सकती है. सबसे बड़ी बात ये कि 7 इंच है और लाइट वेट है और इस आम सी सिम यू नो ये 4G है ना तो इसमें आप ये आम सी सिम लगा के इसे यूज कर सकते हैं और इसके जरिए जबकि मतलब इसका फायदा ये सबसे बड़ा हुआ कि जहां पे इंटरनेट नहीं है मौजूद नहीं वाईफाई नहीं है तो वहां पे सिम से आप जो है ना काम चला सकते हैं और ये मार्च 2020 में ये लॉन्च होगा. वैसे इसे टेस्ट में चेक किया गया है और बड़ा अच्छा है इसका प्रोसेसिंग भी बहुत अच्छी है और इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि ये 539 जो है ग्राम्स का है 939 सात इंच का. ठीक है जी बस आपने इस तरह करके खोलना है और जनाब टाइपिंग वहां पे करनी है उसके बाद उसको बंद करना है और अपनी जेब में डालना और वो गया जी छोटा जा लैपटॉप क्यूट. वैसे बहुत से लोग जो है छोटी चीजें कहते हैं हाउ क्यूट यू नो तो ये समझे कि क्यूट सा लैपटॉप जो है ना आप इसे यूज कर रहे होंगे और उसके साथ साथ इसकी कीमत जो है वो तकरीबन $399 जो है वो शुरू में रखी गई. उसके साथ उम्मीद है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है जैसे जैसे इसमें प्रोसेसेस अगर अच्छे होंगे तो उस हिसाब से इसकी प्राइस होगी यानी निकू निकू से लैपटॉप. राइट जनाब उसके साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं ऑल द वे ऑन www.facebook.com/radioawaz पर और थैंक यू उन सब लोगों को जो कि हमारे साथ मौजूद हैं और अपने होने का एहसास हमें दिलाते चले जाते हैं. अमीन हमारे साथ मौजूद हैं और चौधरी जाहिद नजीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जाम इमरान जो है हमारे साथ और वकास खान हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर मोहम्मद फरुख इकबाल साहब इज विद अस एंड इसरार जफर जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं. थैंक यू सो मच उन सब लोगों का जो कि हमारे साथ मौजूद हैं अपने होने का एहसास जनाब बिल्कुल साथ साथ दिला रहे हैं. अमीन जो है करल साहब कहते हैं जी वेलकम बहुत शुक्रिया नाइस शो थैंक यू फॉर लाइकिंग द शो एंड थैंक यू टू ऑल दोस पीपल दैट इज फ्रॉम दिस इज फ्रॉम वेयर दिस इज डन फ्रॉम मुजफ्फरगढ़ ओके थैंक यू सो मच. और अब मानो बिल्ला जी कहते हैं अपनी शादी पे बकरे के पाए रखूंगा मैं. अच्छा जी ठीक है जनाब आप जो है एक डिफरेंट डिश के साथ जो है ना आइएगा दैट्स रियली लवली. लेट्स सी जनाब कि वो लोगों को वैसे पसंद आएगी लेकिन आप शादी जो है वो सुबह के टाइम मतलब रखिएगा क्योंकि यू नो मॉर्निंग नाश्ता पावे बाकी आप खुद समझदार हैं. राइट जनाब उसके साथ आप मुझे कॉल भी कर रहे हैं हाँ नंबर थैंक यू सो मच 0533728505 पर. और आज का हमारा टॉपिक क्या था आज का हमारा टॉपिक ये था आपने मुझे बताना ये है कि एक तो वो कौन सी ऐसी डिश है जिसको सबसे ज्यादा यानी जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है. कहां पर जनाब शादी पे की बात कर रहा हूं और उसकी बकायदा जो है ना आप बल्कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना साथ जो स्पेशली अगर वो चीजें हैंडल कर सकते हैं लास्ट तो उनको कहा होता है इस चीज पे नजर रखना. और साथ मैंने आपसे ये भी पूछा था कि वो कौन सी ड्रीम डिश है जो आप किसी भी शादी के फंक्शन में अगर लेट्स से आपको कहा जाए कि वो शादी के फंक्शन में वो चीज रखें या वो डिश रखें तो वो कौन सी होगी मतलब कौन सी डिश है जो आप चाहते हैं कि ये भी मेन्यू में शामिल हो. और उन सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया जो कि साथ साथ में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और हमें मैसेजेस भी कर रहे हैं. ये है हमारा आज का क्वेश्चन और उसके साथ साथ हम आपके साथ बहुत सी चीजें और भी शेयर कर रहे हैं जिन्हें हम इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं. लेकिन इस वक्त एक अदद ब्रेक है मेरे पास और ब्रेक के बाद फिर हम आपके साथ मौजूद होंगे. सो स्टे ट्यून्ड विद आवाज ग्रुप ऑफ रेडियोस बिकॉज दिस इज योर ओन रेडियो स्टेशन. हियर वी गो विद द ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपके साथ मौजूद होंगे. स्टे ट्यून्ड हियर वी गो 1 2 3 और अब वक्त हुआ फॉर रेडियोस एंड हाईवे ड्राइव. राइट उसके साथ साथ आप मुझे कॉल भी कर रहे हैं ऑन 0533728505 पर और चलते हैं जी कॉलर की तरफ सुनते हैं हमारे साथ इस वक्त लाइन पर कौन है. हियर वी गो हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी कौन है हमारे साथ कहाँ से हैं. जनाब मोहम्मद मुदस्सिर उर्फ राजा बात कर रहा हूँ भाई जान खानिया से. थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया जनाब वेलकम कहते हैं आपको शो में. कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं.
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक भाई जान, आपकी दुआएं, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? बिल्कुल शुक्र है जी अल्लाह का। और उससे बाद में ये भी बताइए कि आज का दिन कैसा गुजरा आपका? मैं कहता हूँ कि फिट एंड फाइन, बहुत ही अच्छा गुजरा जनाब। जबरदस्त हो गया। अच्छा शादी ब्याह पे शौक से जाते हैं जब बुलाया जाता है तो? शादी पे जनाब शौक से जाऊंगा, आपकी होगी तो हमें बुलाएंगे। जी जनाब मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा जी बड़े तैयार बैठे हुए थे आप तो। अच्छा एनीवेज अच्छा मुझे ये बताइए कि जब आप शादी पे जाते हैं तो मेन मैं जब होता है वो ज्यादातर इंतजार तो खाने का ही होता है ना, सारी बात है इतना लंबा सफर किसी जगह जाना ये वो ठीक है, तो खाने में कौन सी ऐसी डिश है जिसका आपको बड़ी शिद्दत से इंतजार होता है स्पेशली शादी में, या कौन सी ऐसी डिश है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि इसका जो है ना बेसिकली जो भी हो वो लाजमी खाना? मैं चाहता हूँ जनाब सबसे पहले तो बिरयानी उर्फ बिरयान का इंतजार होता है। अच्छा ठीक हो गया, बिरयानी उर्फ बिरयान पके और हम खाएं। बिल्कुल ठीक है। साथ में गोशे तो हो बड़े वाला, छोटे छोटे पीसेस बने हो। ओ अच्छा जी, पता है ना, छोटे छोटे पीसेस बने हो। अच्छा अगर आपको ये कहा जाए कि किसी शादी पे आपने जो मेन्यू तैयार करना है डिशेस का, तो कौन कौन सी डिशेस होंगी इसमें? मैं सबसे पहले तो ज्यादा हमारे पाकिस्तान में बिरयानी चलती है, ज्यादातर तो लोग बिरयानी खाते हैं, मैं बिरयानी। आप बिरयानी रखेंगे यानी आपकी मेन मेन डिश जो है बिरयानी। अच्छा अगर मैं आपको कहूँ मीठे में कौन सी चीज रखेंगे फिर? मीठे में, मीठे में जनाब जर्दा, जिसमें सात सात रंग होते हैं। अच्छा सात सात रंग वाला जर्दा, बादाम पिस्ता भी होगा इसमें? वो भी होता है भाई। ठीक है जी, वो भी हो गया बीच में, तो ये हो गया था मीठा। और ये आपने तो सालन वगैरह को नहीं रखेंगे बीच में? सालन वगैरह का भी इंतजाम भाई बना हुआ है, बहुत इंतजाम बना है, बहुत इंतजाम बना। मैंने अभी पूछा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई आप कौन सा सालन जो है उसको पसंद करेंगे बीच में रखना? सालन सोचने वाली बात मैंने कर दी आपके साथ लगता है। नहीं नहीं मतलब इतना इतना सोच रहे हैं आप। एनीवेज बहुत शुक्रिया आपका। सब सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे? सब सुनने वालों को जी आपके सुनने वालों को जनाब सलाम कहना चाहूंगा। सबसे पहले मेरे भाई बहुत ही अच्छे सुन रहे हैं, हाफिज मोहम्मद जी जी, हाफिज शाकर साहब सुन रहे हैं गुजरात में, उनको मेरा सलाम और इसरार भाई इब्रार भाई को सलाम। और ये हमारे बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे भाई प्रोग्राम करने आते हैं, इनको स्पेशली मेरा सलाम। और एक गाने की रिक्वेस्ट करता हूँ अगर प्ले कर दें तो। देख गाने की रिक्वेस्ट तो कोई नहीं पूरी होनी पाई जी, सीधी साफ बात, पक्की बात है, पक्की बात है, ठीक है ना? चले ठीक है भाई, कोई भी गाना ना जी जी मेरे सब दोस्तों को डेडिकेट और अपने आप को भी डेडिकेट जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज। राइट जनाब ये थे हमारे साथ कॉलर, थैंक यू उन सब लोगों का जो कि हमारे साथ मौजूद है ना, अपने होने का एहसास हमें दिलाते चले जाते हैं। राइट जी मुनदी सर कहती हैं जी माय ड्रीम डिश इज बिरयानी एंड चाइनीज राइस। ये सारे यहाँ राइस की बड़े वैसे पसंद करते हैं। मानो बिला जी कहते हैं हा 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 सुबह के टाइम ही रख लूंगा, तुसी भी आ जाइए जी। बिल्कुल ठीक है जी, साथ में नान जो है रोग नहीं होंगे मानो बिला जी? अच्छा चले ठीक है, गोलगप्पे में पुलिस लोग बड़े खुश हो रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस जी। आप भी मेरे साथ मौजूद हो सकते हैं कैसे जनाब? बड़ा सिंपल सा काम है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं हाँ नंबर विच इज 0533728505 पर, और उसके साथ साथ जनाब आप क्या कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन कम ऑन www.facebook.com/radioawaz पर। आज हम पूछ रहे हैं कि शादी के ऊपर सबसे पहले तो वो कौन सी डिश है जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं, जिसका जो आप कहते हैं कि इसको सबसे पहले जो है ना अंडर यानी कि अपने करना चाहिए, और उसके बाद वो अगर आपको कहीं ये कहा जाए कि आप किसी शादी पे कोई मेन मेन्यू रखें तो वो कौन सी डिशेज होंगी जो आप रखेंगे, और स्पेशली उसमें कौन सी डिश जो है वो शामिल होगी। राइट जी हमारे साथ मेहरू जो है मौजूद है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन एंड रियली नाइस टू हैव यू। इस वक्त एक अदद ट्रैक है मेरे पास जो मैं आप सब लोगों के लिए प्ले करना चाह रहा हूं, और उसके बाद जरूर आपकी जो कॉल्स हैं जो आप हमें कॉल कर रहे हैं हॉट नंबर विच इज वंस अगेन आई विल रिपीट द नंबर 0533728505 पर। चलते हैं एक अदद ट्रैक के बाद, फिर आपके साथ मौजूद होंगे। दिस इज इब्रारुल हक, हियर वी go. أنت حبيبي مكان ملاي، بالعودي لندن تو إيميل واي،
जाएगी दोहाई जाने जाना ओ बिल्लो आजुए कुंवारी ओ दी अख भी जे पारी जे तो टकरे ना ओ ते साडा दिल कट दा ओने जून जोगा छटे आनी पुत जट दा बिल्लो जून जोगा छटे आनी पुत जट दा आयो मैं जून जोगा छटे आनी पुत जट दा पुत जट दा पुत जट दा 1996 से लेके 2015 तक पूछते थे सब कहां है लो किधर से आई किधर गई बटबी के दर दिए जिंदिए के मर गई मैंने बोला भाई साहब पहले सी पाकीजा और पहले सी ताबिंदा है आज भी बिल्लो जिंदा है आज भी बिल्लो जिंदा है बिल्लो जिंदा है जाने जाना वियो दा लाल पुरांदा जेड़ा मामे आले आंदा जितो पौंदी ए ते लगदी ए खंड दी कुड़ी सारा पिंड पिछे लाई तेरे गल दी कुड़ी सारा लंदन नचाई तेरे गल दी कुड़ी आ सारा पिंड पिछे लाई तेरे गल दी कुड़ी Connected. Arehan, we are connected to your heart. We are our vast group of radios. Rachel, welcome back. You're listening to Awaz group of radios, and it's me, DJ Nabeel, right here with you with Highway Drive. Rachel, हम बात कर रहे हैं कुछ खानों के हवाले से और उसके साथ साथ आपको ये भी बता रहे थे कि शादी के स्पेशली खानों के हवाले से हम बात कर रहे थे कि कौन सी स्पेशल डिश है जिसका आप इंतजार करते हैं और उसके साथ साथ आपको पता है कि ड्रेस्टिकली देखी जाए तो जो डिशेज वगैरह होती हैं जो बनती हैं आपने अक्सर देखा होगा दे वेरी यू नो स्पाइसी टाइप ऑफ तो हमें साथ में अपनी सेहत का भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए ओवर ईटिंग कभी कभी आपको नजर आती है बहुत से लोग जो है ना वो जनाब उन्होंने डाला हुआ चीज और वो खा रहे हैं और उसके साथ साथ जनाब वो जो है ना बहुत ज्यादा चीजें जाया भी होती हैं इस चीज का भी हमको ख्याल रखना चाहिए राइट जनाब इस वक्त हमारे साथ कॉलर चलते हैं कॉलर की तरफ सुनते हैं हमारे साथ इस वक्त लाइन पर कौन है हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी कौन हमारे साथ है कहां से नबील भाई हाफिज मोहम्मद शाकर बात कर रहा हूं गुजरात से जी आपको खुश आमदेद कहते हैं जनाब कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं जनाब बहुत शुक्रिया बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र आप सुनाए आप कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ये बताइए कि शादियों पे जाने एंजॉय करते हैं वैसे मैं कम ही जाते हैं तो फिर आपसे पूछने का फायदा कोई नहीं फिर रेंट दो फिर ऐसा ही है अच्छा वैसे कोई ना कोई डिश तो आप मतलब वहाँ पे जाते साथ तो देखते होंगे ना कि हाँ ये आप बहुत सी डिशों को तो मैं बड़े शौक से खाता हूँ अच्छा वैसे कौन सी है जिसका इंतजार करते हैं आप ये जो होता है ना मैं कहता हूँ गोश्त होता है जो छोटा गोश्त जी छोटा गोश्त होता है ये मुझे बहुत पसंद है अच्छा छोटे गोश्त का बकायदा इंतजार करते हैं बिल्कुल उसका या सालन बना हो तो या अगर, अगर जिस, बना हो, जिस, हाँ साहब, जिस जिस शादी में छोटा गोश्त ना बना हो तो फिर मान नहीं जाते गुजारा गुजारा राइट राइट सर हाफिज साहब भाई मैं उनको कहूँ भाई आपने छोटा गोश्त नहीं पकाया तो मैं उन्होंने कहना तू निकल जरा 500 बंदा आया होता की करना है की करना चले जनाब फिर हर एक का अपना एक हिसाब किताब होता है ना हर एक का अपना एक तरीका था ये भी तो सोचना चाहिए ना साथ करनी चाहिए जो मिले अल्लाह का शुक्र है जबरदस्त अच्छा होता है वैसे ठीक है बाकी एक फेवरेट जो है ना वो मैंने बताया जी गुड हो गया सारे सुनने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे
सर जी पहले तो आपको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। और आवाज वन फाइव की सारी टीम को इनको हैप्पी न्यू ईयर। और माशाल्लाह आवाज वन फाइव की टीम बहुत अच्छी शो यानी कि लेके आती है हमारे लिए। और माशाल्लाह दिन ब दिन जो है आवाज वन फाइव का नेटवर्क फैलता जा रहा है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और सब सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मेरे दोस्त मोहम्मद मुदस्सर सुन रहे हैं, शुएब अख्तर सुन रहे हैं, और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है राशिद लतीफ सुन रहे हैं, और असनैन अफरीदी मेरे दोस्त हैं, उनको मेरे तरफ से सलाम। और नबील भाई खास करके आपके लिए ढेर सारी दुआएं। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा शो करते हैं और बड़ा मजा आता है जनाब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, डू टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। राइट जनाब, ये थे हमारे साथ कॉलर ऑल द वे फ्रॉम गुजरात। सो नाइस ऑफ यू टू हैव यू। एंड ऑफ कोर्स वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग, व्हाट आर वी डिस्कसिंग? वी आर डिस्कसिंग स्पेशली शादी जो डिशेज है उन हमारे से हम डिस्कस करें, और उसके साथ साथ कौन हमारे साथ मौजूद हैं ऑन www.facebook.com/radioawaz पर। वकार अली हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं मैं क्या करूं, मैं क्या कहते हैं जी, मैं सुकून से सुकून से बैठते हैं ओके, और उसके बाद जो है फिर गोश्त की डिश जो है उसका इंतजार करते हैं। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ हमारे साथ कॉलर्स भी हैं जो हमें कॉल कर रहे हैं। लेट्स गेट ऑन टू द कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, राफिया बात कर रही हूँ सीएमसी से। राफिया आपको खुश आमदेद कहते हैं, वेलकम। एंड हाउ आर यू टुडे, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम एब्सोल्युटली गुड, रियली फीलिंग वेरी गुड टुडे। एंड हाउ वाज योर डे टुडे? इट वाज गुड, बट मैं बीमार हूँ ना इसलिए थोड़ा बस बेड से उठी नहीं, सारा दिन बेड में स्टडी करती रही और दोस्तों को डांटती रही इधर उधर। अच्छा, ये बीमारी के साथ दोस्तों को डांटना भी जो है वो जा रही है सारी राय। अच्छा जी, तो मतलब ये होता है कि बंदा थोड़ा सा स्टबन हो जाता है ना, फ्रेंड अगर बात नहीं मानते तो बुरा लगता है इंसान को, बस इस वजह से। अच्छा, सब डायरेक्ट रिलेशनशिप है बीमारी का, बीमारी के साथ थोड़ा सा करने है। अच्छा, एग्जैक्टली बताइए कि कहाँ से आप, यूर एक्चुअली कॉलिंग फ्रॉम पेशावर राइट? आई एम बेसिकली फ्रॉम सवाबी, लेकिन मैं अभी केएमसी के इंटरनल हॉस्टल से बात कर रही हूँ। केएमसी के इंटरनल हॉस्टल से बात कर रही हैं। सो यू आर बिकमिंग, यू आर गोइंग टू बी बिकमिंग अ डॉक्टर राइट? Inshallah. Thank you so much. Welcome to Awaz Group of Radios. We welcome you. Right. And secondly, I want to ask you, do you like to go to weddings? Shadiyon pe jaate hain? एक्चुअली इस तरह होता है कि हमारे जो एग्जाम होते हैं ना, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता। और अगर मतलब खुदा पे मेहरबानी कर ले और अगर हम गांव चले जाए और ऐसे कोई शादी हो दोस्तों वगैरह की, तो मैं हमें जाती हूँ और मुझे जाना अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह बहुत से ओकेजन होते हैं ना कि हमसे मिस हो जाते हैं, क्योंकि हमारी इतनी टफ स्टडीज है और इतना टफ रूटीन और स्केड्यूल है कि हमसे नहीं हो पाता। तो जब भी मैं आती हूँ गाँव तो बहुत एंजॉय करती हूँ वेडिंग्स को। वेडिंग्स। अच्छा ये बताइए कि मैंने आज का मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने मुझे बताने कि वो कौन सी ऐसी डिश है जिसका शादी भी आप इंतजार करते हैं, बेसिकली जब आपको पता डिशेज आती है तो वो विच डिश जो है जिसके ऊपर आप नजर होती है आपकी? हाँ जी, तो इस तरह है कि हमारे सवाबी में एक ट्रेडिशन है ना, एक फेवरेट डिश बनती है और ट्रेडिशनली वो हर वेडिंग में बनती है। तो उसको हम यूजुअली कटवा बोलते हैं, कटवा, और उसमें देसी घी और मोटा गोश्त, और उसकी रेसिपी मुझे नहीं पता लेकिन वो बहुत मजे का होता है। अगर आप कभी सवाबी आए तो कटवा जरूर इंजॉय कीजिएगा। राइट, okay. और मैं भी जब वेडिंग्स पे जाती हूँ तो कटवा बहुत शौक से खाती हूँ। जनाब ये हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन है, ऑल द वे ऑफ कोर्स पंजाब, तो हर एक जगह की अलग ट्रेडिशन होती है राइट, बट इट्स वेरी लवली टू टॉक टू यू। सब सुनने वाले आपको, बहुत से लोग इस वक्त सुन रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि हम जैसे जितने भी लोग हैं स्टूडेंट्स वगैरह, तो उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखेगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स अपना ख्याल नहीं रखते और बहुत ज्यादा हैवी और ओवर खाते। इसी वजह से आज मैं जितने भी पेशेंट्स को देखती हूँ हमारे पेरेंट्स के एज के, तो वो हाइपर डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल और इस तरह की बीमारियों के पेशेंट्स हैं। तो अगर हम उनकी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखें तो बहुत अच्छी बात।
That's pretty lovely. Thank you so much. Apna bahut sa khayal rakhiyega and do stay with Awaz Group of Radios. Thank you, ji. Thank you, sir. Allah Hafiz. Right, Janab, ye the hamare saath caller all the way from Peshawar trying to become a doctor. That's really, really lovely. Janab, aap mere saath maujood hain on www.facebook.com aur uske saath saath aap mujhe call bhi kar rahe hain on the hot number. Once again, mujhe ye kaha gaya ji, meri speed badi hoti hai jab main batata hu number ko main bhera aaram se bata deta hu 0533728505 par. Aur uske saath saath जनाब www.facebook.com पर कौन हमारे साथ है मानो बिल्ली कहती है जी ओए होए बिल्लो जिंदा है चले जी थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली लाइकिंग द सॉन्ग आपका और मेरा साथ जो है वो जारी ओ सारी है हम जो है इस वक्त बात कर रहे हैं बेसिकली जो हमारा आज का टॉपिक था वो ये था कि आपने मुझे बताना है कि किसी भी अगर शादी पे जाते हैं तो वो कौन सी ऐसी डिश होती है जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं ठीक हो गया और उसके साथ साथ मैंने आपसे ये भी पूछा था कि आपकी अगर किसी शादी पे अगर आपको कहा जाए कि आपने जो डिशेस हैं उनका एक मेन मेन्यू बनाना है तो वो क्या मेन्यू होगा राइट इसके साथ साथ जनाब स्टे ट्यून्ड विद आवाज ग्रुप ऑफ रेडियोज इस वक्त अजान इशा का वक्त हुआ चाहता है उसके बाद फिर हम आपके साथ मौजूद होंगे सो स्टे ट्यून्ड विद आवाज यू आर लिसनिंग टू 15 FM And we are Awaz Group of Radios. Awaz ka jadoo, jo sir chhed kar bole. Awaz se Pakistan. The largest group of FM radios in Pakistan. So tune in now. Radio Awaz. That's absolutely right. You've just tuned in to Radio Awaz, but now it's time for me to say goodbye. Absolutely right. Right, that's the way it is. Janab, aapko thank you so much. Un sab logon ka jo ki hamare saath maujood hai in Highway Drivers, jinhone saath mein comments bhi kiye on www.facebook.com/radioawaz par. Aur uske saath saath Zubair saab hamare saath maujood the in the end from Samriya. Bahut shukriya janab aapka. Aur inshallah, of course, next time when I have the time, I will take your calls. Aaj ka hamara topic jo tha, wo simply shaadiyon ke hawale sa. Aur maine aapse ye pucha tha, aapne mujhe batana ye hai ki ek to mujhe batana tha ki wo kaun si डिशेज जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं और उसके साथ साथ वो अगर आपको कोई मौका मिले तो आप कौन सी डिश जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे वेल थैंक यू उन सब लोगों का जिन्होंने हमें साथ साथ में जो है कमेंट भी करते रहे सैयद जाहिद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे ऑन फेसबुक बहुत शुक्रिया आपका वेल यू नो डिश हर एक की अपनी पसंद होती है शादियों का अपना एक एंटरटेनमेंट होता है और ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि खाना पीना जो है वो भी साथ में हो आप लोगों की जो क्रिएटिविटी है और जो चीजें आपने मुझे बताई वाज रियली फैंटास्टिक थैंक यू उन सब लोगों का आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट फ्राइडे बशर्ते जिंदगी और फ्राइडे सैटरडे संडे विद हाईवे ड्राइव उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए कहां सुना अगर कोई गलती होगी तो जरूर माफ कीजिएगा बट स्टे ट्यून्ड विद आवाज ग्रुप ऑफ रेडियोस दिस इज डीजे नबील साइनिंग आउट टेक केयर अल्लाह हाफिज रंग जाऊं तेरे रंग में जोगी रंग जाऊं रंग जाऊं तेरे रंग में जोगी रंग
और अब वक्त हुआ जाता है वेदर 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 मौसम. जी हाँ, मौसम क्या कह रहा है.